हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड अभी हम पहुंच चुके हैं अनंतपुर 5, और ये जो स्टेशन है अभी दोबारा से बन रहा है और पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है अभी। यहाँ पे पीछे आप देख सकते हो मेरे, और अभी हम स्टेशन से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे हम नैना देवी की बस पकड़ेंगे और सीधा नैना देवी जाएंगे। तो लेट्स गो। तो अभी हम बस स्टैंड पहुंच चुके हैं अनंतपुर 5, और यहाँ पे नैना देवी की जो ट्रेन है वो लेके सीधा नैना देवी ऊपर जा रहे हैं, और पीछे मेरे बस खड़ी है, ये वाली जाएगी। तो अभी हम नैना देवी पहुंच चुके हैं, और पिछले एक महीने से मैं प्लान कर रहा था कि जाना है, बट जा नहीं पा रहे थे, और फाइनली आज आ गए हैं। और पीछे अभी चढ़ाई करनी है, तो यहाँ पे अभी हम चढ़ाई करेंगे, और बस वाले पॉइंट पे हम अभी आ चुके हैं। और ये वाला जो पूरा एरिया था पिछली बार बना नहीं हुआ था, पर ये सब अभी बन चुका है मेरे इस साइड में भी और दूसरे साइड में भी। और सुबह 6 बजे निकले थे और अभी 11 बज चुके हैं, तो टाइम से पहुँच गए हैं, और अभी जल्दी ऊपर जाते हैं और वहाँ पे मत्था टेकते हैं। मैं 3 बजे से उठ के जागरण कर रही हूँ, उल्लुओं की तरह उठी हुई हूँ, मुझे नींद बहुत जोर से आ रही है। तो अभी हम ऊपर को जा रहे हैं, और ये वाला आप व्यू चेक करो, क्या व्यू लग रहा है नीचे का। और अभी फिर फास्ट चढ़ने लगी है थोड़ी थोड़ी, और अभी ये वाला व्यू चेक करो, क्या ये ऑसम व्यू लग रहा है। थोड़ी थोड़ी फॉग है पहाड़ों में, उस वजह से एकदम क्लियर नहीं दिख रहा, बट आंखों से जो व्यू दिख रहा है वो फैनी कैमरे में दिखे, लुकिंग सो ऑसम। तो अभी ऊपर जाएंगे और दर्शन करके फिर वापस आते हैं। यहाँ पे जो चढ़ाई एकदम सीधी है और सीढ़ियों वाली है, इस वजह से थकान हो रही काफी ज्यादा। अभी थकान हो गई, अभी तो वैष्णो माता जाना है, तो क्या होगा। ये दो जने और आ गए, नीले वाले मोटे पतले, ये देखो चढ़ाई चेक कर, ये दोनों छोटे पैकेट थक गए हैं। तो धीरे धीरे अभी हम ऊपर चलते हैं माता का नाम लेते हुए, नैना देवी, नैना देवी की जय, वैष्णो माता की जय। इतनी छोटी चढ़ाई पर हालत खराब हो रही है, सोचो कि वैष्णो देवी जाएंगे तब कितनी हालत खराब होगी, बट माता का नाम लेते हुए पहुंच ही जाएंगे, थोड़ा सा ही रह गया है। यहाँ से मिर्रा पाखड़ा डैम का, अभी हम माता के मंदिर के द्वार पे आ गए हैं और अंदर जाके दर्शन करते हैं। अभी हमने माता के दर्शन कर लिए हैं और आरती का प्रसाद भी मिल गया, बड़ा सौभाग्य था। और नीचे यहाँ पे चेक करो, आटू शाम को नैना देवी मंदिर लेके आते हैं। तो अभी काफ़ी थक गए हैं और भूख भी काफ़ी तेज़ लगी है, तो नीचे चल के खाना खा लेते हैं। तो अभी हम दर्शन करके नीचे आ चुके हैं और यहाँ से सामान लेंगे और उसके बाद नीचे जाएंगे, पर ये जो व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। जिस रास्ते पर हम आए थे रास्ते पर वापस नहीं जा रहे, ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, इससे जा रहे हैं वापस। और टाइम अराउंड 1 बज गया है, और यहाँ पे अभी भाखड़ा डैम जाएंगे, और माता के दर्शन करके सुकून मिला है। इतने दिनों से इंतजार कर रहे थे, फाइनली जो इच्छा है पूरी हुई, और माता ने मेरी जो इच्छा है वो भी पूरी करी थी। और ये वाली बस है जो जाएगी नंगल डैम। तो अभी हम नैना देवी से बाय बस भाखड़ा बोटिंग पॉइंट आ चुके हैं। 5:25 की ट्रेन है,
और यहाँ पे उतर गए हैं। देखते हैं ट्रेन मिल पाती कि नहीं। आई होप ट्रेन लेट हो जैसे सुबह लेट थी, बट लेट्स सी क्या होता है। और बोटिंग में कितना टाइम लगता है वो भी देख लेते हैं नीचे चल के। व्यू चेक करो, वाव व्यू है पूरा, वाव। और यहाँ पे बोटिंग चल रही है। तो ये है भाखड़ा बोटिंग पॉइंट का व्यू, एंड दैट्स लुकिंग सो वाव पीछे। और जैसा आंखों से मैं देख रहा हूँ वो जो फील आ रहा है ना वो आपको यहीं पे आके होगा। कैमरे में वैसे अच्छा खासा फील मिल जाता है, बट पीछे आप चेक करो। और अभी हम बोटिंग करने जाएंगे, और अभी मैगी के लिए ऑर्डर करके आए हैं। मैगी खाने के बाद फिर बोटिंग करेंगे, तो लेट्स डू इट। तो अभी हम बोट में आ चुके हैं और यहाँ पे बोटिंग करेंगे 15 मिनट के लिए। और कुछ शॉट्स मैं लूँगा अपने Insta360 पे, देखते हैं कि वो शॉट्स कैसे आते हैं। ये लोग भी बैठ चुके हैं, बोट स्टार्ट होने वाली है। खतरनाक तरीके में बोटिंग करते हुए तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं हम लोग बोटिंग को। और अभी हम 15 मिनट वाली बोटिंग कर रहे हैं, और इसमें 400 रुपये लगते हैं और 15 मिनट में ये घुमा के लेके आता है। और इसके अलावा एक 1200 रुपये की बोटिंग होती है, इसमें ये आपको एक टापू पे लेके जाएंगे और तो वहाँ पे टाइम स्पेंड। तो उसके लिए इतना टाइम नहीं है, 5 पे ट्रेन है और हम ऑलरेडी लेट हैं, तो देखते हैं कौन सा। तो 15 मिनट का लिया। बोटिंग हमने कर ली है और बोटिंग करके मज़ा आ गया। पूरा टाइम कम है इसलिए हमने 15 मिनट की बोटिंग की, नहीं तो हम एक घंटे वाली बोटिंग करते और जगह को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और देखो ट्रेन भी मिलती कि नहीं, 5 बज गए हैं, 5:25 पे ट्रेन है। और अभी स्टेशन जाना है यहाँ से, तो लेट्स सी। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तब एक्सप्लोर करेंगे, और बाइक पे आऊँगा मैं, और ये जो पूरा एरिया है वो एक्सप्लोर करेंगे। इसमें भी यहाँ नीचे आना पड़ता है, काफ़ी चढ़ाई है। नीचे आते हुए तो पता नहीं लगता, लेकिन जब आप ऊपर जाते हो सांस फूलने लगती है। बट ये जो व्यू है बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है। और आपको यहाँ पे आना चाहिए, बट ये हालत ख़राब करने वाली है। अब देखते हैं बस मिलती कि नहीं, साथ के साथ बस मिल जाए तो पहुंच जाएंगे। तो अभी हो चुकी एक प्रॉब्लम, हमारी जो 5:25 वाली ट्रेन थी वो हो चुकी मिस, और इसके बाद 10 बजे की ट्रेन है। और अभी हम बस देखने जा रहे हैं कि कोई बस मिलती है डायरेक्ट फरन तक या नहीं। तो 5:25 की ट्रेन थी जो मिस हो चुकी है, और वहाँ पे कोई बस नहीं है नंगल डैम पे, तो वहाँ पे हम बस पकड़ के आए हैं आनंदपुर साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकने, और वहीं पे अभी जा रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसे कैसे आप जा सकते हो, क्योंकि हमारा प्लान था कि नैना देवी से सीधा नंगल डैम जाएंगे और वहाँ पे हम चले जाएंगे घर, बट ट्रेन मिस होने की वजह से अभी हम यहाँ पर आनंदपुर साहब आ गए हैं और यहाँ पर अभी मत्था टेकेंगे, और उसके बाद 10 बजे की ट्रेन है वो पकड़ के जाएंगे। तो बोटिंग के चक्कर में हमारी जो 5:25 वाली ट्रेन थी वो भी मिस हो गई, और उसके बाद हमें कोई बस नहीं मिल रही जो हमें सीधा फरंद या गोविंदगढ़ लेके जाए। तो इसलिए हम आ गए थे आनंदपुर साहिब, और यहाँ से एक ट्रेन थी 10:30 बजे हिमाचल एक्सप्रेस, और वो ट्रेन हमें रात के 2 बजे पहुंचाएगी फरंद। तो काफ़ी लेट हो जाएगा, घर पहुंचते पहुंचते थोड़ी दिक्कत होगी, तो फरंद से बस नहीं मिलेगी, और इसलिए हमने गुरुद्वारा साहब में स्टे लिया है 1 नाइट का। और सुबह 6:30 बजे की ट्रेन है, तो सुबह उठ के हम निकल जाएंगे ट्रेन पकड़ के और 9 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। तो ये रूम है जो हमको मिला है, जिसमें डबल बेड है और एक सिंगल बेड है, और वॉशरूम भी अटैच है। और ये जो स्टे है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी है।
लुक्स सो ब्यूटीफुल। और अभी हम सोने जा रहे हैं तो सुबह जल्दी उठना है, तो जो ब्लॉग है कल सुबह कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ से अभी हम निकलने वाले हैं और 6:30 बजे की ट्रेन है अनंतपुर 5 से, वो लेंगे और सीधा फरंद जाएंगे। बाय बाय रूम नंबर 13। तो 10 बजे के करीब हम घर पहुंच गए थे। अनंतपुर से सीधा हम लोग आए थे सरंद बाय ट्रेन और वहां से बस के थ्रू हम आ गए थे मंडी गोविंदगढ़। और काफ़ी एडवेंचरस टूर रहा हमारा, काफ़ी हमने एंजॉय भी किया और थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो गया। वैसे टाइम की शॉर्टेज थी उसकी वजह से वापस जल्दी आना पड़ा, बट अभी मैं एक न्यू टूर प्लान कर रहा हूँ शिमला का, तो जल्द ही वहाँ पे हम जाएंगे। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ शिमला में बर्फ़ पड़ने लग जाए, तो उसके बाद हम शिमला का टूर बनाएंगे और इस बार शायद मैं अपनी बाइक पे जाने वाला हूँ। और ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ, और इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और इसी के साथ मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू एंड गुड बाय।